स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है उसमें हम टाइम शीट करेंगे, और क्लास नंबर 13 है हमारी। इसमें आप टाइम शीट को देखेंगे कि टाइम शीट क्या होती है, टाइम शीट किस तरह से हम जो है टाइम इन और टाइम आउट को वो करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आपका टाइम इन एक होता है जो आने का टाइम होता है, एक टाइम आउट होता है जो कि जाने का होता है। ठीक है, इसमें टाइम शीट क्रिएशन होगी हमारी, डिजिटल और एनालॉग टाइम सेटिंग करेंगे हम, टाइम इन और टाइम आउट पे वर्क करेंगे, टोटल टाइम और टोटल आवर्स पे काम करेंगे, रेट पर आवर और टोटल बिल पे काम करेंगे, क्रॉस ग्रॉस पे और टोटल वर्क आवर्स पे, वर्किंग आवर्स जो हमारे उस पर काम होगा, रेट पर आवर कैलकुलेशन होगी और वर्किंग आवर शीट पे हम काम करेंगे। अब सबसे पहले आप एनालॉग और डिजिटल टाइम को अगर देखें, एनालॉग और डिजिटल टाइम बेसिकली क्या होते हैं। एनालॉग और डिजिटल टाइम आपके यहाँ पर, अगर मैं आती हूँ टाइम शीट में, आपके पास यहाँ पर दिए हुए, किसी को पता है एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है? आपके पास दो किस्म के टाइम होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये क्लॉक आपके सामने है, ये आपका सारा, ये जो है ये आपका सारा जो है ये एनालॉग है। चाहे ये ले लें आप, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें। अगर मैं यहाँ पर जो है कहती हूँ डिजिटल टाइम, बताइए क्या होगा इसका डिजिटल टाइम क्या होगा? तो ये, हाँ ये डिजिटल है, सॉरी सही कह रही हैं आप, ये डिजिटल, ये सारे एनालॉग है। अब देखिए डिजिटल टाइम ये होता है कि आप अगर देखें जो बाहर की कंट्रीज़ के लिए, या आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अगर फ्लाइट का शेड्यूल देखें तो उसमें कभी एम पी एम नहीं लिखा हुआ होता। अगर आपका रात के 12 बजे की आपकी फ़्लाइट है तो वो आपका टाइम आएगा, अगर आपकी 3 बजे की फ़्लाइट है तो वो आएगा आपका यहाँ पर 13, 14, 15। ठीक है ना, 15 आपका आएगा, 15 आवर्स पे आपकी जो है वो फ्लाइट है। ठीक है, 15 का मतलब आप समझ जाएं कि रात के 3 बजे। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपका 5 बजे की है तो 15, 16, 17 पे आपका आ रहा है। अगर 17 यानी कि आपका जो है पौने जो है 5 बजे आपकी है या 5:45 बजे, तो 15:45 पे आपकी वो फ्लाइट है। ठीक है ना, इस तरह से यानी कि रात के 12 बजे के बाद ये एक जो है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, यहाँ पर ही होता है। और यहाँ से अगर आप देखें सुबह से लेकर, तो वो आपका वही टाइम होता है। अगर आपकी फ्लाइट 10 बजे सुबह है तो वो आएगा 10 आपका एएम। ठीक है ना, 10 AM आएगा, 9 AM आएगा, जो भी है। ठीक है ना, या 9 आपकी 9 आवर्स की क्लास वो है फ्लाइट, तो 9 आवर्स का मतलब है सुबह की। अगर रात के आपके जो है 3 बजे तो वो आपकी 15 आएगी। ठीक है, इस तरह से ये हो जाए। 12 को 12 आता है, 12 का कुछ नहीं है, 12 आपका 12 ही रहता है, चाहे वो रात का हो चाहे वो दिन का हो। ठीक है ना, अगर आपके दिन के ही होंगे तो ये 11 ही आएगा, ये 10 आएगा, ये 9 आएगा। यानी सुबह से अगर आप लेते, देखिए रात के 12 बजे से जो है आपके यहाँ तक जो है वो आपका यानी डिजिटल चलता है, और दिन के 12 बजे से जो है आपका वो यानी कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक आपका होता है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका जो है नॉर्मल टाइम चलता है। ठीक है ना, यानी कि आप अगर इसको कहें कि अभी 2 बजे हैं, तो आपका जो है अगर दिन के 12 बजे के बाद है तो वो 2 जो है वो 2 AM होगा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ से आपका रात का जो होता है, आप एक बार सिंपल समझ लें, जो आपके रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक है वो सारा डिजिटल टाइम आपका लेता है, यानी 13, 14, 15, 16, 17। और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आ गया समझ में? तो एनालॉग और डिजिटल में ये फ़र्क है। अब यहाँ पर 16:45 का टाइम है, क्या क्या टाइम हो रहा है बताइए? 16:45 4:45 दो किसने कहा है? दो गलत है आपका, 13, 14, 14 होगा यहाँ पर, ये 16 है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, डिजिटल और एनालॉग का फर्क, ये डिजिटल एनालॉग का फर्क होता है। अब आपकी ये शीट है पहली, यहाँ पर ये नेम है एम्प्लॉई के, ये टाइम इन है एम्प्लॉई के, आने का टाइम है, ये जाने का टाइम है, टोटल आवर्स आपके किस तरह से निकालने और ग्रैंड टोटल आवर्स किस तरह से निकालने ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर, इसमें मैं शीट खोल लेती हूँ ताकि बनाने में, तो फिर सारा टाइम हमारा बनाने में हो जाएगा। कोई शीट अगर बनी हुई है तो मैं देख लेती हूँ, उसी में से आपको समझा लेती हूँ उसकी चीज़ें हटा के, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं ले लेती हूँ टाइम शीट,
यहाँ पर आती हूँ मैं, ये शीट खोलती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये पहली शीट है, देखिए। अब यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सबको जो है जर्नल कर रही हूँ पहले, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, और डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम इन और टाइम आउट, इन दोनों पे आपने पहले वो सेट करना है। क्या सेट करना है? आपने इसका जो है फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट सेट करना है। नंबर फॉर्मेट में आपने टाइम का फॉर्मेट सेट करना है। इन दो कॉलम्स पे आपको टाइम का फॉर्मेट सेट करना है। टाइम का फॉर्मेट कौन सा लेना है? टाइम में जाएंगे आप, सॉरी, कंट्रोल वन कर लें आप, यहाँ से आ जाएं। आसान हो रही है? यहाँ से आप ये ले लेंगे ये टाइम, ठीक है ना। टाइम पे आके ये वाला फॉर्मेट सेट करेंगे, तो यहाँ पर जो है टाइम इन और टाइम आउट पे हमने जो है दो चीज़ें सेट कर ली हैं। यानी हम कंट्रोल वन पे आए, कंट्रोल वन में आने के बाद हमने जो है यहाँ पर टाइम लिया, और टाइम में हमने ये 1:30 PM, ये PM आने दीजिए, सिर्फ फॉर्मेट हमने ये लिया है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट क्यों लिया है मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्मेट क्योंकि ये एनालॉग टाइम शीट है, ये डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग टाइम शीट है, ठीक है ना। अब एक एम्प्लॉय है, ऑफिस का टाइम जो है वहाँ पर कंपनी का जो टाइम है वो 8:30 PM है, 8:30 AM है, सॉरी। तो ये जो एम्प्लॉई है ये 8:10 पे आया, ठीक है। AM ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि वहाँ से फॉर्मेट हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। ये एम्प्लॉई जो है वो 8:45 पे आया, ठीक है। ये एम्प्लॉई जो है वो 8:15 पे आया, ठीक है। ये एम्प्लॉई जो है वो 9 AM पे आया, लेट हो गया, ठीक है ना। और ये एम्प्लॉई जो है वो एग्जैक्ट 8 बजे आया, ठीक है। ये आपने देख लिया कि यहाँ पर ये चीज़ और सारी चीज़ राइट पे आ रही है, इसका मतलब है सही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो टाइम आउट है आपका, टाइम आउट जो है इसमें आपका अब टाइम जो है वो 5 बजे तक है, ठीक है ना। 5 बजे इस एम्प्लॉई ये 8 बजने में 10 मिनट तक ही आया था, तो छुट्टी जो है वो 5 बजे हुई है, ठीक है ना। अब इस आप जो है स्पेस देखिए, PM आप स्मॉल में दें, किसी में भी दें, ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर ये एम्प्लॉई जो है इसने रुक कर काम किया, ठीक है, और ये जो है तकरीबन 6:40 पे इसने ऑफ किया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, इस एम्प्लॉई ने जो है वो 4:45 पे ऑफ किया, ठीक है। इस एम्प्लॉई ने जो है वो 6:30 पे ऑफ किया, टाइम ज़्यादा दिया, ठीक है ना। ओवर टाइम आप कर लें, मेरा ओवर टाइम हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये एग्जैक्ट 5 बजे इसने ऑफ किया, 8 बजे आया, 5 बजे। अब देखिए टोटल आवर्स, आवर्स हैं ये, आवर्स, HRS आवर्स, ठीक है ना। हाँ हाँ, माइनस होगा, लेकिन किस में से क्या माइनस होगा? ये आउट जी। देखिए आप टाइम आउट में से हमें टाइम इन माइनस करेंगे तो हम टोटल आवर्स ले लेंगे, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू टाइम आउट, अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, और माइनस टाइम इन, एंटर। अब देखिए ये 8:45 यानी कि 8:50 का आ रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ठीक है। 8 घंटे जो 50 मिनट आ रही है ये गलत है। आपने इस कॉलम को जो है क्या करना है, कंट्रोल वन करना है। कंट्रोल वन करके आप यहाँ पर आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे टाइम में, टाइम से आ जाएंगे कस्टम में। हमें क्या चाहिए, यहाँ घंटे और मिनट चाहिए, कितने घंटे और कितने मिनट इसने काम किया है। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आके आप यहाँ पर जो है आवर्स और मिनट लेना है आपने, ठीक है ना। आवर्स और मिनट यहाँ पर आपके आएंगे, सेकेंड है यहाँ पर, सिंपल आवर्स और मिनट आपके ये रहे, ये देख रहे हैं आप ब्रेसिस के अंदर है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रेसिस है, यही वाला आपने लेना है। ओके कर देंगे आप, यहाँ पर जब करेंगे तो 8:50 आ गया आपका, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके ये आ गए, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके ये आ रहा है, इसमें यहाँ पर कोई मिस्टेक है, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ये जो है कॉलम क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें हम दोबारा से यहाँ निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पर टाइम आउट माइनस। ओह हाँ, जब भी मैंने ये नोट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पर वो लगाया नहीं था PM, ठीक है ना, सही है। आप देखिए ऑटोमेटिकली आ गया,
सबसे ज़्यादा काम जो है वो 9 घंटे 30 मिनट 9 घंटे 55 मिनट यानी कि खाली ने सबसे ज़्यादा काम किया है, इसके घंटे सबसे ज़्यादा। अब अगर यहाँ से टोटल आप आवर्स लेंगे तो हम क्योंकि कस्टम में जाके वो कर चुके हैं तो टोटल आवर्स आपके यहाँ पर ऑटो सम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या आप शॉर्टकट लेंगे क्या ऑल्ट और इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके 45 टोटल आवर्स जो हैं वो इन सारे एम्प्लॉयज़ ने 45 घंटे 45 मिनट काम किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपने वो जो है वो वाला ब्रेसिस वाला आपने वो लिया है। तो ये आपकी टाइम शीट होती है, टाइम शीट सिंपल टाइम आउट में से टाइम इन करती है। दूसरी शीट आपकी ये डिजिटल है, यहाँ पर हमें कोई वो सेटिंग नहीं करनी, नंबर फॉर्मेट की कोई सेटिंग नहीं करनी हमें यहाँ पर। यहाँ पर हमें जो है देखिए यहाँ पर ये डेट है इसकी और ये फॉर्मेट है डेट का, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पर टाइम इन हमारा ये 9 बज के और ये आपका टाइम आउट है, ये आपका टाइम इन, ये आपका ये ब्रेक स्टार्ट 12 बजे ब्रेक स्टार्ट होता है, कंपनी में एक साथ होता है, ऑफिस में एक साथ होता है 12, आधे घंटे का ब्रेक फिनिश कब हो रहा है आधे घंटे बाद। टाइम आउट आपका डिजिटल है या एनालॉग है ये? 17 का क्या मतलब है आप लोग बताइए? पाँच, ठीक है ना जी? हाँ, फोर जो आपका यहाँ से 13, 14, 15, 16 और 17 5 हो गया, ठीक है ना, यानी के रात के 5, सही है यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर ये सॉरी रात के 5 कह रही हूँ, दिन के 5, ठीक है ना, यहाँ पर दिन के 5, हाँ सही है ना, डिजिटल में आपका दिन के 5 होंगे ना, रात के 5 कहाँ से होंगे, ठीक है ना, वो तो सुबह के 5 हो गए आपके। यहाँ पर ये क्या है? 6 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? 4, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से आपने लेना है, आपने यहाँ से कोई चीज़ सेट नहीं करनी इसमें, यहाँ से सब आपका जर्नल होना चाहिए, यहाँ से कोई सेटिंग नहीं होगी आपकी, यहाँ से जर्नल होगा। अभी यहाँ पर भी जर्नल कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका जर्नल करने से आपका ये आ रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जर्नल करने से ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज़ यहाँ पर की हुई है इन्होंने, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है टाइम का तो हमने देना है, जाहिर सी बात है टाइम का अगर हम नहीं देंगे तो कॉलन किस तरह से हमारा आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर मैं 2-3 यहाँ पर ही करती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कस्टम में जाके टाइम का यानी कि फॉर्मेट लगाया हुआ है, टाइम का फॉर्मेट आपका क्या है, यानी कि टाइम का फॉर्मेट आपका यहाँ से टाइम दिया हुआ है। अब टाइम जो है ये टाइम जो है ये है आपका टाइम का फॉर्मेट, ठीक है ना। यहाँ पर ये यहाँ पर आपने जो है वो करना है क्या, टाइम इन क्या है आपका, टाइम इन मैंने दे दिया यहाँ पर 7:45, ठीक है, 7:45। देखिए मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर जर्नल देना है हमें, यहाँ पर जो है ना इसमें प्रॉब्लम होगा, जर्नल दे दें आप, यहाँ पर आ गए और यहाँ से अब आप टाइम ले लें, पता नहीं ये शीट इन्होंने गलत बनाई हुई है। यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, यहाँ से आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये चीज़ ले रही हूँ इसकी, सिर्फ ये चीज़ उठा रही हूँ मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कुछ गलती की हुई है इन्होंने जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, फिर आप लोगों को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी समझने में, सही है। यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, यहाँ पर ये ले रही हूँ और यहाँ पर आ जाएं आप, इसको छोड़ें, ठीक है। यहाँ पर ये आ गए, क्या हो गया आज आपको बहुत नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही, तो अच्छा यहाँ पर जो है डे डेट आपने लिखनी है, डे डेट जो भी हो आपकी, यानी कि आपने अगर यहाँ पर भेज देना मुझे अभी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने जो है फर्ज करें यहाँ पर फर्स्ट डेट है और मंथ जो है वो फर्स्ट है और ईयर जो है वो 2023 है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट आप जो है अगर ये रख लें कंट्रोल 1 कर दें आप, आपको बताया ना टाइम का फॉर्मेट आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर कस्टम में जाके आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है कोई भी टाइम यहाँ पर जो है वो ले सकते, सॉरी डेट ले सकते हैं, टाइम कह रही हूँ, डेट आप यहाँ से कोई सी भी ले सकते हैं। अगर ये वाली डेट है तो इस तरह से ओके कर दिया आपने तो यहाँ पर ये आ गया 1 जनवरी 2023, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। अब टाइम इन मैंने दिया यहाँ पर के जो है 7:30 टाइम इन सुबह का, सही है। आप देखिए वहाँ पर कोई चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं, ऐसी आपको कुछ सेटिंग नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। ब्रेक स्टार्ट आपका, ब्रेक स्टार्ट जो है 12 बजे होता है, कहीं 1 बजे होता है, ठीक है। ब्रेक फिनिश
12:30, ठीक है ना। टाइम आउट 5 बजे, बताइए टाइम कितने, 17:15 पे ये जो है वो हुआ, ठीक है ना। और टोटल आवर्स हम अभी निकालते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा हमने दे दिया, यहाँ पर संडे आ रहा है, यहाँ पर 3 दे देती हूँ मैं, ठीक है। यह आ गया, इसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया, यह आ गया 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अब यहाँ पर जो है मैंने दे दिया, ये 8 बजे पहुँचा। देखिए कोई एम पी एम की ज़रूरत नहीं है, टाइम तो सबका एक ही होता है, ज़ाहिर सी बात है टाइम आपका सबका एक ही होगा, ठीक है ना। ये और टाइम आउट चेंज होगा, ठीक है ना। फर्स्ट करें इसने जो है 18 पे छुट्टी की, 18 का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर 18 का मतलब ये, यहाँ पर जो है 7:45 दे दिया, एक और दे देती हूँ मैं 7:45। यहाँ पर जो है आपका वही आ गया, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 16:45, ठीक है। ये आ गया। अब आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये चीज़ है, टोटल टाइम आपको निकालना है। टोटल टाइम के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू टाइम आउट माइनस ब्रेक फिनिश, नॉट टाइम आउट, ठीक है ना, प्लस ब्रेक स्टार्ट माइनस टाइम इन, सही है। 9:15 यानी 9 घंटे 15 मिनट काम किया इसने, इज इक्वल्स टू टाइम आउट माइनस ब्रेक फिनिश प्लस ब्रेक स्टार्ट माइनस टाइम इन। इसने 9 घंटे 30 मिनट काम किया है, ठीक है। आप इसको डबल क्लिक करके भी नीचे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल आवर्स हमें चाहिए, टोटल आवर्स के लिए ऑल्ट मैंने ये किया, इज इक्वल्स टू एंटर दे दिया। जब ये दिया तो ये तो गलत आ रहे हैं ना, टोटल 3 घंटे तो नहीं है जितने सारे घंटे। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ये करेंगे कि हम जो है यहाँ पर इसको ये लेंगे, और यहाँ पर लेने के बाद हम जो है यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे जनाब, कि यहाँ पर जो है ये हमने ले लिया यहाँ पर, इसके बाद हम जो है इसको क्या करेंगे, टोटल आवर्स हमें चाहिए, टाइम हमारा ये कस्टम पे आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आवर्स और मिनट्स चाहिए, आवर्स और मिनट्स हम ये ले लेंगे, ठीक है ना। आवर्स और मिनट्स ये ले लेंगे, जो ब्रैकेट वाला है ओके कर दिया हमने, तो 27 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम आ गया आपका, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको, कि टोटल आवर्स में आपने ब्रैकेट यानी ब्रेसिस वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला लेना है, और आपने सिंपल डिजिटल में कोई सेटिंग नहीं करनी है, बगैर सेटिंग है, लेकिन एनालॉग में आपने 1:30 PM वाला आपने सेट करना है फॉर्मेट, और यहाँ पर वही जो टोटल आवर्स है उसके लिए लेना है, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सेम वही चीज़ है, टाइम आउट माइनस टाइम इन, और कोई चीज़ सेट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, टोटल आवर्स जब आप निकाल लेंगे भाई ब्रैकेट के साथ, तो रेट पर आवर कितने हैं, 19, यानी $19 एक घंटे के मिलेंगे उसे। रेट पर आवर का मतलब होता है कि $19 एक घंटे के मिलेंगे, तो उसने 39 घंटे काम किया है। जब उसने 39 घंटे काम किया है तो टोटल उसको कितने डॉलर मिलना चाहिए, अगर 39 घंटे काम किया है उस एम्प्लॉई ने इतनी सी डेट पे, तो उसे कितने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये, लेकिन मल्टीप्लाई में एक बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉलर में या पाउंड में या रुपीज में, तो आपको 24 से उसे मल्टीप्लाई करना होता है, क्लॉक 24 टाइम चलती है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप करेंगे इसको इस तरह से लेंगे, इज इक्वल्स टू आप जो है यहाँ पर लेंगे 39 मल्टीप्लाइड बाय, और इस पर वही फार्मूला लगेगा आपका जो आपका ब्रैकेट वाला है, और आपका यहाँ पर ये टाइप होगा सिंपल, और मल्टीप्लाई होगा 24 से। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 24 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई गलती की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो सही नहीं निकाला हुआ है, यहाँ पर सही निकाला है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसे करेंसी में इसे करूँगी, तो करेंसी में ये देखिए आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। करेंसी आपकी जो है, क्योंकि ये अगर आपकी करेंसी यहाँ पर जो है पाउंड में आएगी तो पाउंड में आ जाएगा, ये इसमें आएगी तो इसमें आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए यही चीज़ लेती हूँ, और इसको मैं इससे 24 से मल्टीप्लाई नहीं करती, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई 19, सही है। ये आ गया आपका, लेकिन किस में आ रहा है, ये डिजिटल में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आप किस में चेंज हो गया, ये
सही है, तो 24 से आपको मल्टीप्लाई करना लाजमी है ताकि आपका वो जो है करेंसी में आ जाए। करेंसी में आने के लिए आपको 24 से करना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर टोटल आवर्स ओवर टाइम कोई नहीं है यहाँ पर। ये आप लोग अगर मैंने दी हुई है शीट, मुझे नहीं पता मैंने कौन कौन सी शीट दी हुई है आपको, आपके सिलेबस में आके पता चलेगा, क्योंकि ये तो पहले का है, पहले मैं काफ़ी ज़्यादा कराती थी, मैंने शॉर्ट कर दिया है कि स्टूडेंट का मसला होता है कि उनके पास काम ज़्यादा होता है, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शीट मैंने यहाँ रखी है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ से लेते हैं पहली शीट में आपको डिजिटल और ये एनालॉग शीट है आपको, तो आपको टाइम का फॉर्मेट सेट करना है यहाँ 1:30 PM वाला, और यहाँ पर ब्रैकेट आपको पता है कि लाजमी लगानी है आपको आवर्स में। ये आपका डिजिटल है, यहाँ पर आपको कोई चीज़ सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पर आपको ब्रेसिस यूज़ करने हैं, ठीक है ना, ब्रेसिस वाले मिनट यूज़ करने हैं। यहाँ पर अब आपके पास देखिए ये फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो कॉलम्स हैं ये दिए हुए हैं। यहाँ पर सम आएगा आपका इस तरह से, आवर्स और मिनट्स में चाहिए, सेकेंड्स में नहीं लीजिएगा, आवर्स और मिनट्स वाले लीजिएगा, ठीक है ना, सेकेंड्स में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है टोटल आवर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, टोटल आवर्स के बाद ये टाइप होगा आपका। मैं आपसे कह सकती हूँ कि $21 है पर आवर, तो आप उसके लिहाज से करेंगे, और यहाँ पर ये 24 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इसमें G14 आपका ये है और G15 आपका ये, और ये मल्टीप्लाई बाय 24 होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ जाते हैं, ये देखिए यही वही चेहरे का टाइम आउट माइनस टाइम इन, ये आ जाएगा आपका। ग्रॉस पे आपकी आवरली रेट कितने है 30, तो आपका क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा, ये आपका वर्कड आवर है मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24 आपका आप लाजमी लेंगे। यहाँ पर ग्रॉस पे आपको निकालनी है, यहाँ भी ग्रॉस पे निकलेगी, यहाँ भी, यहाँ पे टोटल ग्रॉस पे निकलेगी, टोटल ग्रॉस पे इन सब का टोटल यहाँ पर आएगा। ये जो है आपका C1 आपका ये है, ये रहा आवरली रेट मल्टीप्लाई बाय F5 आपका क्या है ये, ठीक है। और यहाँ पर F4 क्यों यूज़ किया गया है, ताकि डबल क्लिक जब आप करें तो सारे निकल जाए, एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाया है इसे, ये पता है ना, ठीक है, F4 यूज़ होता है ना उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आ गया आपका, इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये रावली पर रेट है, और यहाँ पर ये चीज़ें सब मिलती जुलती हैं, सिर्फ इसके फॉर्मेट चेंज है। यहाँ पर टाइम आउट माइनस टाइम इन प्लस टाइम आउट माइनस टाइम इन, ठीक है, इसमें करेंगे तो आपके टोटल आवर्स ही आ जाएंगे। ये आपकी शीट्स हैं यहाँ पर जो दी हुई हैं, कम दी हुई हैं, ये सिर्फ चार आपकी सात कहाँ से गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीट्स हैं आपकी, ठीक है ना। ये 6 शीट्स आपने काम करनी है, और आपको क्या पता चल गया कि आपको डिजिटल और एनालॉग में क्या करना है, टोटल आवर्स आपके किस तरह से आते हैं, क्या आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाला टोटल आवर्स के लिए लेना है, रेट पर आवर में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम को तो आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, अब टाइम शीट आपकी बन जाएगी। तो टाइम शीट आज हमें करनी थी, और टाइम शीट में ये चीज़ें थी, ठीक है। अब आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई हैं, तमाम चीज़ें मैंने ये तमाम आपको टोटल वर्किंग आवर ये सब आपको करा दिया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करके और इसकी शीट्स बनानी है, ताकि आपके टेस्ट के लिए आपकी तैयारी रहे, ठीक है। थैंक यू।